हेलो यूट्यूब जनता, स्वागत है आप लोगों का हमारे एलन रिंग के 12th एपिसोड में। तो पिछले बार आपको याद होगा हम कासल के सबसे करीब की जो ग्रेस है वहाँ तक हमने रेस किया, और काफ़ी ये जो एरिया है नीचे थोड़ा सा ये डाउनवर्ड साइड है नॉर्मल लिमग्रेव के हाइट्स, वो हमने एक्सप्लोर कर लिया और अभी हम कासल की चढ़ाई करने वाले हैं। तो क्या क्या लाल की हुए, क्या क्या चमकती है क्या उससे आदिवासियों की, क्योंकि कभी दिन के टाइम पर मैंने देखा नहीं कि आके चमकते हुए, शायद रात वाला इफेक्ट हुआ उससे। तो गोल्डन सीड मिली, ठीक है, गोल्डन सीड ऐसे जमा करना पड़ेगा, एक गोल्डन झाड़ ढूंढना पड़ेगा एरियाज़ में, फिर वहाँ पे गोल्डन सीड रहेगी। अगर आपने नोटिस नहीं किया होगा तो जब मैं फ्लास्क का देख रहा था तो गोल्डन सीड काम में आते हैं कि आप फ्लास्क की क्वान्टिटी बढ़ा सकते हो। जैसे अभी अगर मेरे को नंबर ऑफ फ्लास्क इंक्रीज करना है तो मेरे को 2 गोल्डन सीड मुमकिन है। तो क्या कर रहा है यहाँ पे, ये ले आग से खेल बैठा, कैसा लगा? ये ले, अच्छा ये सादा पंपकिन हेड है ना, बहुत सारा इसलिए एक जंप अटैक में ऑलमोस्ट आधी हेल्थ चली गई। ये मर गया पंपकिन हेड, अलार्म बज रहा है। हेल्म, ओ भाई अब मैं भी वैसे ढोला कैरेक्टर बना के उसको ये टोपी पहनाऊंगा पम्पकिन की, पर नाम रखूंगा पम्पकिन हेड। फोर्ट हाइट, हाँ यार ये ऑप्शन रखना चाहिए क्यों या इन गेम कि अगर आपको मतलब एक मेन नाम होना चाहिए और एक जैसा आईफोन में नहीं होता है क्या कि अगर आप कोई मेल भेजो तो आप एक एलियस लगा के भेज सकते हो उसके साथ में कि आपका मेल नहीं दिखेगा उसको, उसके अगर एलियस पड़ेगा आपके ओरिजिनल मेल आईडी के, अगर ऐसा वो सिस्टम करना चाहिए कि ओरिजिनल आईडी के अगर आप ऐसे निकनेम रख सकते हो, जैसे कोई आपको कूल आउटफिट मिल गया तो आपने आउटफिट के हिसाब से कोई नाम रख दिया। अब इंटरेस्टिंग रहेगा कि भाई लैंड का लौड़ा वो ये डेंजरस लग रहा है, मैं ऊपर वाला पीछे पीछे आ रहा है मेरे बहुत, अरे बहुत आग से खेलने का शौक है ना, फसल सबसे लौड़े मेरे को तो एक्सप्लोडिंग बैरल से मारेगा। हाँ साले चूहे क्या कर रहे थे पता नहीं भाई, ये सोल सीरीज के चूहे क्या खाते हैं साले, इतने बड़े व्याजे वहाँ के चूहे देखने में बहुत क्रीपी लगते साले, और तो कुछ है नहीं वैसे। तू अरे तू जिंदा रह गया था, आता भाई तू जिंदा रह गया, इससे फाइट करनी है। ओ देख के खतरनाक लग रहा है ये, अरे तो स्टनलॉक होता है, अरे रे 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 एश ऑफ वॉर ब्लडी स्लैश। कभी कभी लगता है वेंचर वेपन्स गेम कुछ ज्यादा आसान हो गया। अरे अच्छा एनिमी था वो इतना इतना आसान नहीं था जितना आसान वो हो गया, वो लैंड हुआ उसके बाद में जो मैंने स्पैम चालू किया इस वेपन से वो बेचारा स्टनलॉक। उसका सीन में तो ये हो गया कि एक तो मैंने एंड्योरेंस बढ़ा लिया 15 कर लिया तो स्टैमिना भी बहुत था, रब जो मारा उसको मर गया सर, अच्छा फ्री तो कर दिया किसी ने, कैप्चर किया था ना इसको ब्लड रोज। इनकी फाइट चल रही थी आदिवासियों की और ये नाइट्स ने फोर्ट कैप्चर किया था, तो नाइट्स शायद से आदिवासियों को फोर्ट में घुसने नहीं दे रहे थे। ठीक है हेड, ओके क्या अब तक तो यार मेरे को एक बात ये सही लगी कि अब तक जो मैंने मैसेजेस पढ़े ना वो काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं। नॉर्मली तो ट्रोल मैसेज ही होते हैं डार्क सोल्स की गेम में, जैसे जंप फॉर सीक्रेट, आप जंप करते हो और सीधा आपकी लाश भी नहीं मिलती, फिर आपको वो वाला होगा, वो वाला कन्फर्म होगा जंप फॉर सीक्रेट जो दीवार पे है ना ये लिखे हुए, ये ट्रोल होंगे। क्या मिला, क्या कौन से की है उसे, ऐसे कौन से की, कौन सा दरवाज़ा खोलती है भाई ये की, जॉइन मेडालियंस टू ऑपरेट ग्रैंड लिफ्ट ऑफ डेक्टस लेफ्ट हाफ ऑफ स्प्लिट मेडालियन डेपिकेटिंग द अर्थ ट्री। अच्छा
Brandishing the medallion with both halves conjured will activate the current lead of Tectus connecting the Atlas Plateau to Lurnia. Okay. The right half is said to reside in Fort Faroth in the Dragon Barrow far to the east. अच्छा इधर होगा, ईस्ट मतलब ये आया, वो रेड वाला एरिया है, तो इसका राइट हाफ वहाँ जाके ढूंढना पड़ेगा। लेफ्ट तो मिल गया, राइट ये ईस्ट वाला, हाँ ये वाले साइड में होगा फिर तो भी। अच्छा तो मतलब इसका मतलब नेक्स्ट एरिया हमारा लुर्निया होगा, ठीक है, और लुर्निया के बाद में शायद इधर रेड वाले एरिया में आना पड़ेगा अपने को। तो रेड वाला एरिया तो मेरे को ऐसा थोड़ा सा 70% गेम कम्प्लीशन के आसपास का वाला लग रहा है मेरे को। जैसे ये हम पकड़ लेंगे फर्स्ट 30% लुर्निया पकड़ लेंगे हम, नेक्स्ट 20% और 50% के आगे जो 70% कम्प्लीशन होगा वो शायद से मेरे को लग रहा है रेड वाले एरिया में ही होगा हमारा, क्योंकि काफ़ी एडवांस्ड है बॉसेस जो थे वहाँ पे, बॉसेस बोल रहा बेंच, नॉर्मल एनिमीज काफ़ी एडवांस थे, बॉसेस से तो मैं लड़ा ही नहीं वहाँ पे, पता था गांठ पड़ जाएगी बोल। से काफ़ी शॉर्ट था वो कासल, मुझे लगा थोड़ा सा बड़ा होगा, छोड़ो थोड़ा सा शॉर्ट में एपिसोड को ख़त्म कर देंगे, मेरी बक्सोदी भी आपको सुनने नहीं पड़ेगी रिका में। भाई फोर्ट कैप्चर कर लिया मैंने। I've been waiting for you with bated breath. Did you manage to recapture my fort? Oh, excellent news. Just wonderful. And well done, my friend. Well, I knew I was right now. Here's your... Go ahead. It's all yours. Old steel dagger. Right then. Time for me to head... I've much to do. First, I'll have to re-establish communication with... What's that look? You don't believe me? Well, under the Erd Tree, co-mingling with the demi-humans, even the Vulgar shall not be left behind, under the rule of true, which is why I, Kenneth Height, next in line as the rightful ruler of Limgrave, have sworn to uphold... Just you watch, my friend. Achha, ye to kafi interesting rahega, jaake dekhna padega wahan pe, kya hota hai? अच्छे तो वॉल्स वॉल्स लगे हैं यहाँ पे, हाँ तो वहाँ पे तो क्या क्या फ़ायदा है, छोड़ो। यहाँ पे भी एक चर्च जैसा दिख रहा है, ये भी कुछ एरिया है, टूटी हुई वॉल जैसा दिख रहा है ये जो, हाँ ये टूटी हुई वॉल ही है वो, ये टूटी हुई वॉल ही दिख रही है। बॉर्डर कैटाकॉम्स, ठीक है, तो यहाँ से जाके ऐसा घूम के रास्ते से जाना पड़ेगा, रास्ता है यहाँ पे, रास्ते से जाके वो साइड से नीचे उतरना पड़ेगा फिर एरिया कंप्लीट हो जाएगा। इसके अगले एपिसोड में शायद हम वही करेंगे कि ऐसा घूम के जाएंगे पूरे एरिया कंप्लीट कर लेंगे, फिर थोड़ा और साउथ जाएंगे क्योंकि साउथ के डायरेक्शन में ये जा रहा है, ग्रेस के डायरेक्शन साउथ में दिख रही है, आपको नीचे दिख रहा होगा मैप के अंदर। इंटरेस्टिंग है भाई, इंटरेस्टिंग मैप काफ़ी बड़ा है, गेम भी काफ़ी बड़ा लग रहा है, मजा आएगा। चलो टेलीपोर्ट करते हैं वहां पे, उससे पहले तो अब जाके देखते हैं बेंगलोरन कैसी सिविलाइजेशन बसाई है डेमी ह्यूमंस के साथ। अरे मैं तो वरार बोल रहा था, इनको आदि पुरुष आदि मानव तो सही बोल रहा था मैं, डेमी ह्यूमंस ही है लोग। अच्छा वो बम फेंकने वाले वो नाइट वाइट सब गायब है, कोई है नहीं यहाँ पे, पूरा कासल खाली लग रहा है, कासल को ज्यादा ही खाली नहीं है। कोई है ही नहीं कासल में, ये कैसे हो गया, रेस्ट करके उठ हो गया, तो वर्ल्ड स्टेट रिसेट नहीं हुई है उसके वजह से हो रहा है। फ्लास्क गोल्डन सीड शास्त्र फ्लास्क ऑफ क्रिमसन टीयर्स, हाँ गोल्डन गोल्डन सीड मिली थी ना पहले, कभी मिली होगी याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्टली कहाँ से पिकअप की मैंने, ये दूसरी थी, वो तो लेवल अप हो गया, अब स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रीसेट हुआ है, अब क्या हुआ देखते कर सकते हैं।
रहा है कोई नहीं। सो जो त्या बेंच दे एक तो मैं कुछ स्टोरी पॉइंट मिस कर रहा हूँ या फिर कुछ कर रहा हूँ। मैं स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रीसेट नहीं हो रहा है ठीक से, मुझे लगता है शायद इससे आगे बात करना पड़ेगी, वो एक उपाय हो सकता है। क्या बोलता है बैंगलोरा देखते हैं। कट यहाँ पे आ गया वापस। दिक्कत ये थी कि मैंने उससे बात नहीं की और मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की पर मैं जो लाइट चली गई तो वो रिकॉर्डिंग तो है नहीं। मैं दिक्कत ये थी कि उस बंदे से आके बात करनी थी वापस से एक बार, मतलब इस ग्रेस पे आना था, रेस्ट करना था थोड़ा, सब एक वर्ल्ड वर्ल्ड सेट रिसेट हुआ उसके बाद में फिर उससे आके बात करनी थी तो एक नया डायलॉग ट्रिगर हुआ उससे। मैं आप यहाँ पर आए तो आप देख सकते हो कि पूरा फोर्थ मिनट या डेमी ह्यूमंस भरे है और बंदा शायद ऊपर ही मिलेगा हमको जहाँ पे हमने वो नाइट था ना पहले अगर हमको दिखा तो उसका मैंने स्पैम करके मार दिया आर1 स्पैम से, वहीं पर रुका है सबसे ऊपर वाली जगह में। ये देखो खड़ा है, मर साले बोहड़ी वाले। I suppose you must have seen it by now, yes. Oh, indeed, it is a foul fate for a land one must be found. With haste, but a true and stalwart lord of the proper lineage. I'm sorry to have lifted up the authority to raise you to knight the great Kenneth Height. Issues his sincere now. I must be but a true and stalwart lord of the proper lineage. I must begin my search post haste for a true and. अच्छा, इसी क्वेस्ट आगे होगी कुछ ना कुछ, शायद ये अपने कुछ एल्डन लॉर्ड वगैरह बनने में मदद करेगा मेरे हिसाब से ऐसा लगता है। ये नीचे का भी एरिया एक्सप्लोर करना है अभी, देखते हैं। प्लान तो मैं वही कर रहा हूँ कि शायद से जो कासल का वो गेट वाला ना, सोचते में वही रहा हूँ यार कि वो गेट वाला जो एरिया है वहाँ से ये कर लूँगा